नदी का त्योहार रंगों का त्योहार है। टेसु के फूल, विविध प्रकार के फूल, गुलाल का त्योहार है, अनेक प्रकार के रंगों का त्योहार है। यह मस्ती का त्योहार है, आनंदित होने का त्योहार है। और सबसे बड़ी बात इस त्योहार में कि सब प्रकार के मनभेद और मतभेद भुलाकर पारस्परिक प्रेम स्नेह बढ़ाने वाला ये त्योहार है। मनों के अंदर हर प्रकार की बुराइयों को दूर करने वाला त्योहार है। होलिका दहन का संदेश यही है कि सब प्रकार की बुराइयों से समाज विरत होता जाए, बुराइयों को कम से कम करता जाए ताकि बुराइयां समाप्त हो सकें। और उसी के साथ में जो रंग का त्यौहार है, आपस में सभी मिलजुल कर हम गले मिलकर रंगों को डालकर गुलाल लगाकर हम पारस्परिक मिलकर के होली के रंगों का आनंद लें। होली का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो नए अन्न के स्वागत का भी हमें शुभ संदेश देता है। नए अन्न का स्वागत भी इस अवसर पर हम सभी करते हैं। समाज के अंदर पारस्परिक सद्भाव बना रहे, पारस्परिक समरसता का भाव बढ़े, मन के अंदर किसी प्रकार की कलुषित भावना पैदा ही न हो सके। एक विशेष बात कि आज इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा विशेष रूप से कि जो रंग का दिन है वह शुक्रवार का दिन है, अतः होली खेलने वाले सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि होली खेलते समय पर, गुलाल लगाते समय, रंग डालते समय पर इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किसी की भी भावना आहत न हो, ताकि हर प्रकार के विवादों से दूर हम आराम के साथ, मस्ती के साथ इस होली के पावन पर्व को मना सकें। यह पर्व ऐसा है पूरे देश भर में मस्ती के साथ मनाया जाता है, बॉलीवुड में भी उसी मस्ती के साथ मनाया जाता है, और दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी भारतवासी रहते हैं वह भी इस होली के पर्व को उत्साह के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ मनाते हैं।